चलिए एक और सवाल लेते हैं मोहम्मद जावेद चंद्रपुर महाराष्ट्र से। बताइए मोहम्मद जावेद। हेलो हाँ सवाल पूछिए। सर IRFC के 5,000 शेयर है 154 के रेट पे। 154 IRFC के 5,000 गावा सर। IRFC 5,000 शेयर 154 पर होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 154-155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पे था, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, 200 के दरों में वो जा सकते हैं। जावेद लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है इसमें ना? जी सर जी रुकना है। हाँ तभी है क्योंकि आपका भाव टू भाव चल रहा है एकदम। जी सर अगर लंबा नजरिया है जी जी तो इसमें रुकना पड़ेगा आपको। चंडीगढ़ से मैसेज जुड़ना है। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर, मैंने IRFC के शेयर लिए थे सर, 200 शेयर 160 पे, तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी इन पे? 200 से ले 160 पे अभी चल रहा है 144। इन्वेस्टर हैं आप? सर मतलब मैं ऐसे प्रॉपर इन्वेस्टर तो नहीं, मतलब सर अभी जैसे स्टार्ट ही किया था तो ये अच्छे चल रहा था सर, इसलिए एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो मैंने ले लिया था सर। ये कितने दिन के लिए लिया था आपने? सर मतलब ऐसे मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, मतलब 6 महीने साल भर के हिसाब से लिया था सर। ओके मानव जी, 6 महीने साल भर अगर रुका जाए इसमें IRFC में तो पैसा बनेगा क्या? देखिए हो सकता है क्योंकि जो कंसोलिडेशन पिछले करीब अगर हम बात करें 6-7 हफ्ते में देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो गया स्टॉक। कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और उससे पहले एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से जब तक 128 और 125 की रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा आप अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि 125 पे 20 वीक मूविंग एवरेज है और जो अभी कुछ दिन पहले एक लो बना था 127 वहां पर भी एक प्राइस सपोर्ट है, तो उस रेंज के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 100-120 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ऊपर की तरफ मूव अब तब देखने को मिलेगा जब 155-160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले। अगर आप लगातार देखिए 155-160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मूव फिर से आने को तैयार है। ओके होल्ड करिए इसको, बड़ा मूव आ सकता है इसमें।